नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव एक्टिव एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं फिर आया हूं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन टॉपिक आपने पढ़े होंगे तो देख लिया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को HSC लगभग हर एग्जाम में देती है और इनके साथ और भी अभी जो ताज़ा हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था पीछे, उनमें से प्रश्नों को भी उठाए जाएंगे। पीछे जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लिया गया है। तो आप देखो, पहला जो प्रश्न है NC2, ये फेवरेट प्रश्न है इस टाइप का, HSC डालती है, बहुत पहले से दे रही है। HSC एग्जाम करवाने लगी, आप देखोगे फर्स्ट से 16-17 के एग्जाम जो है उनमें भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस टाइप का कभी भी प्रश्न आए है ना, NCX = NCY, एन की वैल्यू पूछे तो क्या आएगी, X + Y ना, बस कुछ नहीं करना ऐसे सवाल में ना। ये कैसे आई है, क्लास में अच्छे समझाया गया था आपको। तो आप देखो इस चीज़ को क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दे, वही एन की वैल्यू हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी एन की वैल्यू, 7 हो जाएगी है ना, 5 और 2 = 7, सिंपल ही है। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, इसको है ना आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो इसमें n का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालना आप इसका आंसर क्या आएगा। चलो, शब्द लीडर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, किसकी बात कर रहा है, व्यवस्थित व्यवस्था की यानी परम्यूटेशन की बात कर रहा है ये, है ना, किया जा सकता है। तो देखो कैसे करते हैं व्यवस्थित, इसमें कितने अक्षर हैं, 6, तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर, कितने अक्षर रिपीट हुए हैं, ई 2 बार रिपीट हुआ है, तो जो अक्षर रिपीट होते हैं उसे क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, है ना, जितने अक्षर रिपीट होते हैं, ई 2 बार हुआ है, नहीं होते तो 6 का फैक्टोरियल आंसर देते, है ना। ये फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होगा, उल्टे गुणा करने, पीछे वाले वीडियो में बताया था फैक्टोरियल। तो जैसे फैक्टोरियल 5 लिख दिया तो घटते हुए क्रम में गुणा करना, घटते हुए क्रम में गुणा करना ऐसे। तो ये 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 = 1 करोगे तो आएगा 720, और 2 × 1 कितना आएगा, 2 आएगा, इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 360 आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 52 ताश के पत्तों के एक पैक में से 4 कार्ड इस प्रकार चुनने हैं, चुनने के तरीकों की संख्या के चारों कार्ड एक ही रंग के हो, एक ही सूट, एक ही रंग। अब देखो दो रंग होते हैं, एक लाल और एक काला, और जो इन पत्तों में जैसे ईट, हुकम, चिड़ी, ये जो कलर होते हैं इनको भी क्या कहते हैं, रंग ही कहते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं, कलर की बात नहीं कर रहे उनके, है ना, सूट की बात कर रहे हैं। तो कितने पत्ते होते हैं प्रत्येक प्रकार के, ईट के 52 पत्ते होते हैं, ईट के कितने होते हैं, 13, चिड़ी के 13, हुकम के 13, पान के 13, ऐसे। तो उनमें से 4 लेने हैं, यानी 13 में से कितने सेलेक्ट करने हैं अपने को, 4 सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे अपने पास कितने पैक बन जाएंगे, 4 पैक बन जाएंगे, कितने पैकिंग हो जाएंगे अपने पास, 4 पैकिंग हो जाएगी। तो बस इसको सोल्व कर दो, 4 × ये देखो 4 लिखा हुआ है नीचे, तो 4 तक घटते हुए 13 × 12 × 4 तक नहीं, मतलब 4 बार लिखना है इसको ऐसे 10 तक, और ये होता है 4 × 3 × 2 × 1, इसको सोल्व कर दो भाई, 4 × 12, ये 4 काट लो, इससे कट जाएगा, और 3 × 6 × 6 × 12, तो ये हो गए 13 × 26, 260 × 11, 11 से गुणा करना आसान है, इनको जोड़ के बीच में लिख दो, यानी कौन सा आंसर आएगा, 2860 आंसर आएगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रंग यानी सूट की बात कर रहे हैं, एक तो रंग होता है ब्लैक और रेड, यानी कि लाल और काला रंग होता है, ताश आपने सबने देखी होगी, ठीक है, और बाकी जो उनके कलर होते हैं जिनको सूट कहते हैं, इनमें देखो इनमें क्या होते हैं, चिड़ी, हुकम, पान और ईंट, है ना, इन 4 के पत्ते, ऐसे आपने डिजाइन देखी होगी ईंट का, ऐसे कुछ चिड़ी का होता है भाई, 3 फूल से होते हैं उसमें ना, ऐसे हुकम का होता है उल्टा पत्ता, ऐसे पान का मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसे कुछ बनाएंगे तो इस टाइप से, हुकम का ये, पान का, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर होते हैं इसमें, तो इसमें आंसर कितना आ गया, 2880 आ गया।
नेक्स्ट देखो, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकों को कितने प्रकार से ली जा सकती है यदि 2 खास पुस्तकों को कभी ना लिया जाए। यानी कि हमें सेलेक्ट करना है 10 में से कितनी पुस्तक सेलेक्ट करनी है, 10 में से कितनी पुस्तक सेलेक्ट करनी है बताओ, 4। लेकिन 2 को तो कभी नहीं लेना, 2 तो फिक्स वहीं पड़ी रहने, तो 2 को तो उठाना नहीं, चेक ही नहीं करना, तो बच गई अपने पास कितनी, 8। यानी 8 में से कितनी सेलेक्ट करनी है, 4 सेलेक्ट करनी है। तो अभी जो हमने लिखा था ऐसे 8 को 4 बार घटते हुए क्रम में 8 × 7 × 6 × 4 और नीचे आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो ये हो जाएगा 3 × 6, 2 से 2 कट गए, 4 से 4 कितना जाएगा, 8 × 7 = 56। सॉरी 2 लेनी है, 8 में से 4 पुस्तकें, 2 खास पुस्तकों को कभी ना लिया जाए। देखो कहाँ मिस्टेक हो गई इसमें, एक सेकंड देखना भाई, 5 आएगा, दोबारा से एक बार लिखते हैं इसको, 4 × 3 × 2 × 1। तो 3 × 6 से 6 कट गया और 4 × 8 ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 5, 8, 3, 2, 1 कितने अंक हमारे पास, 5 अंक है। 5 अंकों का उपयोग कर कोई भी अंक दोहराए बगैर, ध्यान देना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नोट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर। कितनी, 3 अंकीय सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या की बात कर रहे हैं, सम संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 अंक की संख्या बनानी है अपने को, और कैसी बनानी है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आए वो सम संख्याएं होती हैं। 0 का केस थोड़ा अलग होता है। तो ये देखो 2 और 8 है इसमें, तो यहाँ पर कितने डिजिट रख सकते हैं, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, इनमें से एक होगा। तो इस सीट को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अब इन दोनों को एक साथ तो रख नहीं सकते एक संख्या में, या तो 8 लिखा होगा या फिर 2 लिखा जाएगा। तो बच गए कितने अंक, 4, इस पोजिशन पर कितने आ जाएंगे, 4। एक अंक यहाँ पर कम हो गया, अब बच गए कितने अंक, 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 और 12 × 24 कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 24 संख्याएं बनाई जा सकती है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो देखो हमारे पास यहाँ पर भी 5 अंक बचे रहते हैं और यहाँ पर भी 5, या तो 2 ही आते, इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न थे हमारे कुछ। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।